तो हम बात कर रहे हैं आज डेट की कैलकुलेशन के ऊपर। अब आपको डेट एक्सेल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो डेट लिखने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि आपका सिस्टम का डेट क्या है। तो मेरे सिस्टम का डेट है डेट एम वाई, मतलब डी एम वाई, डी एम एम वाई, मतलब पहले डेट, जैसे आज की डेट डालना है तो 9/6 हम डालेंगे। अब आपके सिस्टम में, क्योंकि मैंने करते समय, मैंने सिस्टम इंस्टॉल करते समय जो रीजन सेलेक्ट किया था वो इंडिया सेलेक्ट किया था, इसलिए मेरा डिफॉल्ट है। लेकिन आपके ऑफिस में बाय डिफॉल्ट यूएस होता है, तो होता है MMDDYY। तो MMDDYY में दिक्कत क्या होगा कि अभी जैसे मैंने भेजा आपको 9 जून, अब आपका सिस्टम अगर MMDDYY पे होगा, मतलब कि मंथ डेट होगा, तो जो 9 है वो सितंबर, मतलब कि आपका मंथ बन जाएगा, और जो 6 है मंथ वो डे बन जाएगा आपका। मतलब आपके सिस्टम पे अगर आपका सिस्टम MMDDYY पे हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 सितंबर। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि मल्टीपीसी का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मल्टी डेट रीजन पे, तो आप डेट को इस तरह से डे में भेजें, डेट में 2022, मंथ हो गया हमारा 6 और डे हो गया हमारा 9। अब ये हमारा DDMMYY, किसी भी मेथड पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अब इसी में आता है कि आप इसमें से आप ईयर लिखेंगे, इसमें से ईयर स्ट्रैक हो जाएगा, मंथ लिखेंगे इसमें से मंथ स्ट्रैक हो जाएगा, और इसमें से डे लिखेंगे तो डे स्ट्रैक हो जाएगा, और वापस इसमें आप कंबाइन कर सकते हैं, वापस कंबाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे ईयर मंथ एंड डे, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। ठीक है, अब इसमें एक ये हो गई हमारी। अब इसमें अगली जो टॉपिक आता है वो आता है टुडे का फॉर्मूला है हमारा, सिस्टम डेट जो बताता है, टुडे का फॉर्मूला आपके सिस्टम डेट को समझाता है। अब मुझे इसमें अगर 20 डे ऐड करना है तो कुछ नहीं, इसमें आप प्लस कर दीजिए, माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, तो डेट घटाना बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट में 3 महीना, 3 महीना मुझे जोड़ना है। अब यहाँ पे 3 महीना अगर आप जोड़ने चलते हैं तो अब ऐसा नहीं कि 3 × 90 और फिर 90 डेज पे ऐड कर, गलत हो जाएगा। इसके लिए हम ई डेट का फॉर्मूला लेते हैं, ई डेट और मंथ यहाँ डाल देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। ई डेट फॉर्मूला में कोई भी मंथ को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो घटाने के लिए आपको 3 को माइनस नहीं कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस होके डेट आ जाएगा। हालांकि ये देगा जनरल फॉर्मेट में, तो कंट्रोल शिफ्ट हैश डालिए तो ये आपका डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन मुझे एक डेट के अंदर 2 साल 4 महीने या 22 दिन ऐड करने हैं। अब यहां पे आपको इस वाले मेथड को यूज करना होगा। तो आप क्या करें, यहाँ पे लगाया फॉर्मूला डेट, यहाँ पे अपना ईयर, इसमें से ईयर अलग करें, प्लस जो 2 दिख रहा है इसको 2 ऐड कर दे, फिर कॉमा, मैं यहाँ पे मंथ दे रहा हूँ, फिर मंथ, इसमें से मंथ अलग किया और प्लस हमने 4 कर दिया, देन डे, इसमें से डे अलग किया, इसमें से हम डेट ऐड कर दिया। तो ये आ गया, फॉर्मेट चेंज कीजिए। तो एक पीरियड को ऐड करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। प्रशंसा जी, चिंटू जी एंड सुरेश जी, कोई तो प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, समझ में आ गया। नहीं सर। तो दो डेट को कैसे ऐड करेंगे, समझ में आ गया? यस सर जी। अब बात करते हैं डिफरेंस, जैसे कि 1 तारीख से आज तक की डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, या फिर आप डेट्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा।
या फिर आप डेज 360 का लगा सकते हैं कि स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, लेकिन डेज 360 थोड़ा सा कम देगा। एक दिन कम क्यों दिया, क्योंकि साल को ये 365 दिन नहीं 360 दिन मानता है, साल को 365 दिन नहीं 360 दिन मानता है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। अब मान लीजिए कि मैं जो डिफरेंस तो निकालना है, लेकिन इसमें से सैटरडे संडे या कुछ लिस्ट ऑफ हॉलीडे है, जैसे कि 1 तारीख हो गया, 15 अगस्त हो गया, सॉरी 26 जनवरी हो गया, 17 मार्च था हमारा, 14 जनवरी था हमारा, ऐसे हमारे पास कुछ छुट्टियां थी, समझे। तो मैं चाहता हूं कि ये छुट्टी को छोड़ के, सैटरडे संडे छोड़ के बताए कि एग्जैक्ट कितना दिन मैंने काम किया है। तो नेटवर्क डेज दिख रहा होगा, नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे हॉलीडे सेलेक्ट कर लीजिए। हॉलीडे इससे बीच का है तो माइनस करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। इसने बताया इन छुट्टियों को हटा के, सैटरडे संडे हटा के 110 दिन नेटवर्किंग है। लेकिन बोलेंगे सर मेरा छुट्टी तो सैटरडे संडे होता ही नहीं है, तो उस केस में हम यूज करेंगे networkdays.intl, networkdays.intl, इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, और यहां पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपना हॉलीडे। क्या आपकी छुट्टी ऑफिस कब होती है, ऑफिस की छुट्टी कब होती है, तो सैटरडे एंड संडे होता है या मंडे टू संडे होता है, तो मैंने बोला संडे ओनली, इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ओके। एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे 132 दिख रहा है आपको, 132 समझ गए, यस सर। ये आपका नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, आईएनटीएल मतलब कि इंटरनेशनल। इसी तरह से मेरे पास वर्क डे, मतलब कि मान लीजिए कि आज मैंने बैंक को कुछ एप्लीकेशन दिया और बोला कि 15 वर्किंग डे बाद जो है आपको काम हो जाएगा, तो कब तक काम हो जाएगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे वर्क डे, और इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया एंड हॉलीडे। तो सैटरडे संडे और इस हॉलीडे को स्क्यूट करके बताएगा कि इसका एग्जैक्ट डेट 15 दिन पूरा 30 जून को हो रहा है। कंपनी सैटरडे संडे को बंद नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे workday.intl का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हॉलीडे चूज कर सकते हैं कि आपका कौन सा हॉलीडे है। तो मैं संडे ओनली, और फिर यहाँ पे हमने अपना लिस्ट ऑफ डेट सेलेक्ट कर लिया। आ गया सर, समझ में आया आपको? यस सर। उसी तरह से कोई डेट अगर डालते हो तो इसका एंड ऑफ, इस मंथ का एंड डेट डालना है तो ईओ मंथ होता है, क्योंकि बताता है कि लास्ट डेट कौन सा है। अब इसमें जीरो कर दिया तो सेम मंथ का, वन कर दूंगा तो नेक्स्ट मंथ का, टू कर दूंगा तो इसी तरह से अलग अलग, थ्री कर दूंगा तो अलग अलग दिखाएगा, उतने मंथ बाद दिखाएगा। तो ये थी हमारी डेट की कैलकुलेशन। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशन की।